मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर जहां प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसा ही नजारा देवास जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 में देखने को मिला, जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी रेखा जगदीश डोरिया चुनावी रण में नजर आ रही है। देवास में जिला पंचायत चुनाव का घमासान, कांग्रेस भाजपा सहित निर्दलीय प्रत्याशी ने संभाला मैदान। रेखा जगदीश डोरिया को अपनी जीत का विश्वास, वार्ड क्रमांक 7 के विकास को बताया अपना संकल्प। आपको बता दें कि जगदीश डोरिया ने अपनी ग्राम पंचायत खजूरिया कंका में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए हैं। इसी की तर्ज पर अब वो अपनी किस्मत देवास जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 7 में आजमा रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों द्वारा डोरिया का जगह जगह तिलक लगाकर पुष्प माला पहनाकर और श्रीफल भेंट कर जीत की कामना की जा रही है। डोरिया ने बताया कि अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला और अगर मतदाता उन्हें मौका देते हैं तो देवास जिला पंचायत में वो विकास की गंगा बहाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं देवास जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 की। जी हम आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के सहित कुल टोटल 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी अब जनसंपर्क में जोर जोर से लग चुके हैं। अभी हम यहां पर लोंदिया कॉलोनी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां के जो निर्दलीय प्रत्याशी है रेखा बाई पति जगदीश डोरिया जी, ये हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आपका खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर नमस्कार। सर चुनाव माहौल है और लगातार जनसंपर्क अब आप लोगों ने भी तेज कर दिया है, जनता के बीच में जाकर किस प्रकार का जो माहौल आप बना रहे हैं, जनता से निवेदन कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। जनता का माहौल इस वक्त जगदीश डोरिया को समर्थन कर रहे हैं जी, और बाहर जो बाहरी आदमी है जी उनको बाहर से कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं जी। पार्टी कांग्रेस से और बीजेपी का जो है वो भी दोनों पार्टी वाले बाहर के हैं। बाहर के हाँ, इस वक्त स्थानीय को चुना, मतलब आप यहाँ के लोकल हैं और आपने पिछले आपके कार्यकाल में 5 साल में जो आपने ग्राम पंचायत में काम किए, क्या उसी काम को देखकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? ये तो आपने सुन ही लिया कि गांव में जो हमारे आशीर्वाद आता उन्होंने बता दिया पूरे के हमारे कितना गांव में विकास हुआ है। अच्छा अभी आपके इधर तकरीबन 52 गांव लग रहे हैं, लगातार आप गांव में जा रहे हैं, सुबह कब निकल जाते हैं, शाम को कब आते हैं? सुबह हम 6-7 बजे निकल जाते हैं, रात को 10-11 बजे आते हैं। किस तरीके का जो है अभी चुनावी माहौल है? अभी तो बहुत बढ़िया है। अच्छा आपके लिए एक चुनौती रहेगी कि यहाँ पर सिर्फ एक गाँव था, आपने गाँव में पूर्ण रूप से जो है विकास करवाया, अब अगर आपको जनता मौका देती है तो आपके पास 52 गांव आएंगे, किस तरीके से आप गांव में विकास करेंगे? जिस तरह खजूरिया कनका मैंने विकास करा है उस तरीके से मैं पूरा गांव अपने 7 नंबर वार्ड में पूरी कोशिश रहेगा जनता का वो तोड़ूंगा पूरा करूँगा मैं। तो ये थे जो है रेखा भाई पति जगदीश डोरिया जी, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में चहमुखी विकास किया है, इसी तरह वो जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 7 में भी जो आने वाले 52 गांव हैं, अगर आशीर्वाददाता यहाँ के जो है वोटर हैं, यहाँ की जनता है, अगर उनके ऊपर विश्वास जताती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, तो वह जिस तरीके से उन्होंने खजूरिया कंका में विकास किया है उसी प्रकार से जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 में भी विकास करवाएंगे। आम लोगों का रूप हमारी रेखा भाई जगदीश डोरिया की तरफ ही है। उनका पहले का जो 5 साल का उनके पति का वो सरपंच रह चुके हैं प्रति, उनका जो विकास कार्य था बहुत ही गांव में, यानी व्यवहारिक गांव में सबका और क्षेत्र में भी जहां जहां जा रहे हैं पूरा सहयोग, पूर्ण सहयोग मिल रहा है, माता बहनों का भी आशीर्वाद मिल रहा है और एक विजय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारे प्रत्याशी। जगदीश डोरिया का है सर जी, ये भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं और आने वाले समय में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा इनका। इन्होंने बहुत ही सीसी कांकरे मंदिर निर्माण, पेयजल व्यवस्था, टंकी की व्यवस्था, गरीबों की देखभाल, बहुत ही ऐसे व्यवस्था की है। बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ पर जनता से वोट मांगे जा रहे हैं। हमारे जो सरपंच साहब है उनका बहुत हाई लेवल का काम चल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ में जीत का हम आगाज कर रहे हैं उनके साथ जाकर, और पूरी टीम चल रही है 150 लोगों की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही बहुमूल्य वोटों से जीत होगी उनकी। इस बार का माहौल हमारे जगदीश डोरिया जी हैं जी, माहौल अच्छा है और पूरा गांव का समर्थन भी उनको मिल रहा है। आने वाले जो 52 गांव हैं वहां से भी फुल सपोर्ट है और इस बार बाहर का व्यक्ति इस बार हमारे जगदीश भैया का माहौल है, पूरा बल्ब पे वोट देगा, सब पूरे बल्ब पे ही वोट पे देंगे हम। अच्छा। और हम बाहरी आदमी को बाहर का रास्ता ही बताएंगे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह राजपूत। हम अभी यहाँ खड़े हैं लाल भाई माता जी के मंदिर में, फिर हाल में
जो अभी बच्चे की जिम लगवाई है, ओपन जिम किसी मंदिर में, ओपन जिम अभी हर गांव में नहीं है जी। इन्हें पीछे देख लीजिए आप लगाइए। तो आप, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा सा देखें किस तरीके से ये लाल भाई फूल भाई माता जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। बड़ा सा परिसर है, उस परिसर में जो है टाइल्स लगी हुई है, पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं और यहाँ पर ओपन जिम आप देख सकते हैं किस तरीके से। एक ग्राम पंचायत में एक मंदिर परिसर में ओपन जिम लगना अपने आप में कहीं ना कहीं एक गाँव का विकास दर्शाता है कि किस तरीके से इनके सरपंच के कार्यकाल में इन्होंने गाँव में चहमुखी विकास करवाए होंगे। मैं आपको बता दूँ कि सीसी सड़क से लेकर तो जो है नल जल योजना, गांव में जो है नालियों की साफ़ सफाई, इसके बाद में मंदिर परिसर में पूरी तरीके से यहां पर इन्होंने पेवर ब्लॉक लगाए जा चुके हैं और अब ओपन जिम भी यहां पर लगाई है। तो इसी मुद्दों पर, इसी प्रकार के विषयों को लेकर अब ये ग्राम पंचायत के बाद में श्रीमती जगदीश डोरिया जी ये जिला पंचायत के चुनाव में अब अपनी, लोगों से अच्छे जुड़े हुए इंसान हैं और सुलझे स्वभाव के आदमी हैं। बिल्कुल धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? हमारे श्रीमती रेखा जगदीश डोरिया 5 साल से सरपंच रहे, जो खजुरिया कनका में आज विकास हुआ है वो तकरीबन 25 साल के समथिंग भी नहीं हुआ हुआ जी। और हम कम से कम 150 से 200 लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, जो सुबह 7 बजे निकल जाते हैं और रात को 11 बजे आते हैं। करीबन हमने टोटल 50-52 गाँव किए, वहाँ पर सभी ने हमारे निर्दलीय प्रत्याशी को पूरा पूरा समर्थन करा है और जो कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट है वो बाहर के लोग हैं, उनको जनता समर्थन नहीं करेगी, उनको अगर उनको समर्थन करेंगे तो वो देवास में जाके बैठेंगे। और जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी है ये हमारे गांव के बीच से जुड़े हुए आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, जो उन्होंने 7 साल सरपंची भी करी है और बहुत ही कार्य किया है। उनके कार्यकाल में इतना काम हुआ है कि मेरे हिसाब से 25 साल में भी काम नहीं हुआ। अच्छा है। अच्छी बात यह है कि अगर वो चाहते तो इस बार भी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते थे क्योंकि पहले सरपंच बने हुए थे। अभी अच्छी बात एक ये है कि आपके यहाँ से जो है एक प्रत्याशी को निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया है। हाँ। तो यानी कहीं ना कहीं गाँव का विकास अब हो चुका है, अब अपने जिला में जाके विकास करने का दावा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बात है कि खजुरिया कनका में निर्विरोध सरपंच हुआ है, जिनमें सभी समाजजन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जिन्होंने सभी ने सहयोग किया है, जिसमें हमारे निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती रेखा जगदीश डोरिया का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, तभी जाके वो जिले में जो है इसीलिए पूरे गांव ने उनको सपोर्ट किया और बोला कि डोरिया जी आप जिले में जाके थोड़ा कुछ अपने जैसे गांव में कार्यकाल हुआ ऐसा ही अपने वार्ड क्रमांक 7 में भी कार्यकाल पूरा करो। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह राजपूत। जनता के बहकावे में नहीं आए और जो काम हुआ है अभी तक किसी सरपंच ने इतना काम नहीं किया है और बाहर बाहर के जनपद सदस्यों ने काशी ला के हमारे गांव में ऊंची बुलंदियों की सौगात दी है। इसलिए हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार रेखा जगदीश डोरिया भारी मतों से विजय मनाए, मां शतक महारानी की कृपा से। जय हिंद जय भारत। तो जिस तरीके से आप इनके बीच में उत्साह देख सकते हैं, किस तरीके से ये रेखा बाई पति जगदीश डोरिया जो यहाँ के निर्दलीय वार्ड क्रमांक 7 से प्रत्याशी है, लगातार इनके साथ ही जनसंपर्क कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर साथी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। दादा किस तरीके का चुनाव का माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से कांग्रेस आपके गाँव में आपके जनसंपर्क करते होंगे, लगातार प्रचार करते होंगे? लेकिन आपको बता दें कि कुल 11 प्रत्याशियों में से सबसे मजबूत दावेदारी निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती रेखा जगदीश डोरिया की नजर आ रही है। देवास में दूसरे चरण में 1 जुलाई 2022 को मतदान होना है, ऐसे में अब देखना होगा कि मतदाता किसके सिर पर जीत का सहरा बांधते हैं। देवास से राम माल्या की रिपोर्ट।